हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस इसी तरह ही उस शाम को भी एक ट्रेन जा रहा था, एक नहीं गाइस दो ट्रेन, और दूसरा एक मालगाड़ी था जो अपने आपस में टकरा गए, जिसके वजह से बहुत लोग ही जाने चले गए। गाइस ऐसा ही वक्त था जून 2 तारीख को, और ऐसे ही सूरज ढल रहा था गाइस। और उसी टाइम पे बालेश्वर स्टेशन के थोड़ा आगे एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि 3 ट्रेन कोलाइड कर गए थे गाइस। एक था कोरोमंडल एक्सप्रेस, और एक हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक मालगाड़ी था गाइस। और कई सारे लोग जो अपने घर जा रहे थे, कोई अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, कोई अपने मतलब कॉलेज जा रहे थे, कोई अपना दूसरे कामों के लिए जा रहा था, कोई बाहर काम करके, कोई आदमी अपने घर के फैमिली से मिलने जा रहा था गाइस, पर वो कभी मिल नहीं पाया। मंजर इतने भयानक थे कि गाइस मुझे सोचने से कैसा लगता है। आप सभी को बता दूं, मैं उड़ीसा में ही रहता हूं, और बालेश्वर थोड़ा दूर है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, पर वो महसूस कर सकते हैं गाइस, इंडिया के सारे लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके फैमिली वाले कैसे लगा होगा उन लोगों को। तो ये भयानक एक्सीडेंट हो गया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो गाइस जैसे कि ये ट्रैक है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि लूप लाइन क्या होता है। तो देखिए गाइस, लूप लाइन होता है जैसे एक्स्ट्रा ट्रैक होता है। देखिए यहाँ पे दो मेन ट्रैक है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे एक ट्रैक है और वहाँ पे एक ट्रैक है। ये एक्चुअली यहाँ का मेन ट्रैक है। 2 ही ट्रैक ऐसे आ रहे हैं, 2 ही ट्रैक आ रहे हैं। उसके बाद देखिए वहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर ऐसे डिवाइड होकर यहाँ पर और एक ट्रैक बना है, तो ऐसे 4 ट्रैक बन जाते हैं गाइस। वहाँ पे 1, 2, फिर 3, फिर 4। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और फिर ये ट्रैक है, और लास्ट पे दो ट्रैक जो एक्स्ट्रा बने हैं गाइस, यहाँ पे और उस साइड, वो उसको बोला जाता है गाइस लूप लाइन। अगर ट्रेन को रुकना पड़ेगा, मतलब ट्रेन ठीक टाइम पर, मतलब ट्रेन लेट चल रहा है, तो एक्चुअली ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता है वहाँ पर रुकने के लिए, और जो ट्रेन पास होना होता है वो सीधा पास हो जाता है गाइस। अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये है लूप लाइन और ये है लूप लाइन, 2 लूप लाइन है यहाँ पे, और ये जो है इसका मेन ट्रैक है गाइस। यहाँ से ट्रेन अगर बाईपास करना है तो सीधा चला जाएगा, अगर उससे रोकना है पड़ेगा तो इस साइड से जाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इनको कहा जाता है गाइस स्विच मोटर। ये एक्चुअली ट्रैक को स्विच करते हैं। देखिए 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 देखिए, अभी चेंज हो गया, अभी ट्रैक चेंज हो गया, क्योंकि इसके सामने वो जो मालगाड़ी है वो खड़ा है, इसलिए देखिए ये अपने आप उस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया जाके, ताकि कोई भी ट्रेन अगर सामने से आए तो वो यहाँ से आके डायरेक्ट सीधा नहीं जा पाएगा, वो इस तरफ से चला जाएगा और लूप लाइन में जाके वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो गाइस इसी को बोला जाता है स्विच मोटर, ताकि ये जो ट्रेन है वो सीधा जाके कोलाइड ना हो सके, ताकि ये इस तरफ से चला जाए। ऐसे यहाँ पे एक स्विच मोटर लगाए और वहाँ पे एक स्विच मोटर लगाए। ये स्विच मोटर की वजह से जो ट्रैक है गाइस वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, और उस स्विच मोटर की वजह से देखिए ट्रैक एक वहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है, तो इनकी मदद से ट्रैक चेंज हो जाता है, ताकि ट्रेन अपने सही ट्रैक पर चल सके। तो गाइस जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दोनों मेन ट्रैक है गाइस, ये और ये, जिसमें मालगाड़ी भी खड़ा है, और एक मालगाड़ी उधर देख सकते हैं आप लोग, बहुत दूर है उधर, और एक मालगाड़ी खड़ा है जो कि लूप लाइन पर खड़ा है, और इधर एक लूप लाइन वो जो है वो खाली है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक मालगाड़ी ऐसे ही खड़ा था गाइस, ऐसे लूप लाइन पर खड़ा हुआ था एक मालगाड़ी, क्योंकि वो लेट हो चुका था, तो दूसरे ट्रेन को पास करने के लिए ये जो मेन ट्रैक है इसको खाली करना था। तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, मैंने जो स्विच मोटर आपको दिखाया था पहले, वो स्विच मोटर ने अपना काम किया, उसकी वजह से जो मालगाड़ी था वो अपने ट्रैक पर चला गया, जो अपना जो ट्रैक है उसका जो लूप लाइन है वहाँ पे चला गया मालगाड़ी। लेकिन बाद में जो सिग्नल भी गाइस वो चेंज हो गया, मतलब सीधा जाने के लिए ग्रीन हो गया और लूप लाइन पे रेड हो गया, क्योंकि लूप लाइन पे एक मालगाड़ी ऑलरेडी था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था तो उसको सामने तो दिखाई दे रहा है ग्रीन लाइट, तो इसलिए वो सीधा पास होकर चला जाता है, जैसे सीधा ट्रैक है, क्योंकि उसको ग्रीन लाइट दिखाता तो वो सीधा चला जाता। वो सीधा ही जा रहा था, क्योंकि उसका स्टॉपेज नहीं था वहाँ पे, वो सीधा चला जा रहा था। तो हुआ क्या, वहाँ पे जो ट्रैक है गाइस, जो आपको दिखाया था मैंने स्विच मशीन जो कैसे चेंज होता है, वो चेंज नहीं हुआ गाइस, जिसकी वजह से ट्रेन सीधा ना जाके ट्रेन 13 चला गया, जो ट्रैक है गाइस वो लूप लाइन पर चला गया ट्रेन, ट्रेन लूप लाइन पे चला गया और सामने देख रहे हो आप जैसे वहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ा है उसके ऊपर टकरा गया गाइस। टकराने की वजह से और स्पीड भी काफ़ी तेज़ था, तो जब वो ट्रेन ने टर्न लिया, कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जब टर्न लिया तो क्या हुआ, बहुत सारे जो बोगी थे ट्रेन के वो पलट गए गाइस, पलट के पूरा ट्रैक पे बिछ गए। और उसी वक्त पे देखिए और एक मतलब कैसा टाइमिंग था, उसी टाइम पे दूसरे साइड से बेंगलोर हावड़ा एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रहा था और उसी बोगी को जाकर टकरा गया और उसका और एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया गाइस। तो मामला कुछ इस तरीके का है। देखिए अब भी मेरे सामने ये चेंज हुआ गाइस, जो आप देख सकते हैं ये अभी जस्ट चेंज हुआ, क्योंकि शायद वो मालगाड़ी आने वाला है, आइधर कोई जान मतलब कोई ट्रेन यहाँ से अभी गुजरने वाला है। रुकिए मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस सामने एक पैसेंजर ट्रेन खड़ा है और वो शायद जाने वाला है वो ट्रैक पे, वो सीधा चला जाएगा, इसलिए गाइस वो वाला जो स्विच मोटर है इसलिए उस टाइम पे चेंज हुआ, ताकि वो जो ट्रेन है वो सीधा पास हो सके, सीधा जा सके। यहाँ पे तो रेगुलर चेकिंग होता रहता है शायद कुछ टाइम के बाद, जैसे कि अभी जस्ट मैंने देखा एक रेलवे एम्प्लॉई जो चेक करने आ रहा था ट्रैक को, फिर यहाँ चेक करके चला गया। पता नहीं ये शायद एक्सीडेंट के बाद ये सब स्टेप लिया गया है ना पहले से ही है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर शायद ऐसे चेकिंग होने से ऐसे बड़े बड़े हादसों को टाला जा सकता है। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि उस शाम को एक्चुअली क्या हुआ था। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ गलती लग रहा है वीडियो में तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। तो गाइस ये जो वीडियो जितना मैंने शूट किया है ये पूरा सेफ्टी के साथ किया है गाइस, मतलब अगर पता चल रहा है कि ट्रेन आ रहा है तो मैं ट्रैक से तुरंत हट जाता हूँ और बाहर खड़ा रहता हूँ।